और आज इन्होंने यहाँ पे पुलिस लाइन में केक सेरेमनी का जो है वो इनेकाद किया और खाना दिया क्रिसमस कम्युनिटी को। तो इनसे जानते हैं कि आज ये क्या मकासद थे और क्या फील कर रहे हैं वो खुशियों में शरीक हो के मसीहियों की, बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने बताया मेन तो मकसद यही होता है कि जो हमारा स्टाफ है, हमारी सिपाह है, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो भी उतने ही हमारे साथ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जितने बाकी हमारी कम्युनिटी है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी चूँकि 25 दिसंबर को अपना मना रही है, त्यौहार है, बड़ा दिन है, तो उस सिलसिले में हमने भी सोचा कि उनके साथ इसको उनकी खुशियों में शिरकत की जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, वो भी यहाँ पे आए थे, इनके साथ हमने मिल के केक भी काटा है और खाना भी खाया। मेन पर्पज़ तो ये था कि इनकी खुशियों में शरीक हो और इनको ये बताया जाए कि आप ही उतने इक्वली हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं जैसे कि बाकी कम्यूनिटीज़ हैं। और मुझे खुशी है इंशाल्लाह हम इसमें जो अगली दो तकरीबात हैं उसमें भी इनके साथ इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे और जहाँ जहाँ पर इनके प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पर मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब खुद जाएंगे भी, उनके साथ केक कटिंग सेरेमनीज में भी शरीक होंगे। तो इस मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए, वो भी थोड़ा सा? जी 30 चर्चेज़ हैं, उसमें से 3 ए कैटेगरी के चर्चेज़ हैं, उन पर ज़्यादा ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी। बाकियों पर भी जो है हमने डिप्लॉयमेंट की है, तकरीबन कोई 1200 के करीब हमारी जो है डिप्लॉयमेंट वो तमाम चर्चेज़ पे होगी और जब तक ये चर्च में जितने प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहेंगे, ड्यूटीज़ वहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगी। थैंक यू सर। जी हमारे साथ मौजूद थे DPO विहाड़ी आतिफ इकराम साहब और वो गुफ्तगू कर रहे थे आज की तकरीब के हवाले से और सिक्योरिटी इंतजाम।